पीएम मोदी ने मॉस्को आतंकी हमले की निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा कि दुख की घड़ी में रूस के साथ हम खड़े हैं। पीएम ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मॉस्को आतंकी हमले की निंदा की गई है और निंदा करते हुए ये कहा गया है कि दुख की घड़ी में रूस के साथ हम खड़े हैं, पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं भी हैं। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया यूक्रेन वॉर के समय भी समय समय पर पुतिन से फोन पर बात करते भी रहे हैं। और हमने ये भी देखा था कि रशिया यूक्रेन के बीच में जब वॉर छिड़ी थी तो किस तरीके से जब न्यूक्लियर अटैक किया जाना था पुतिन की ओर से, यानी कि रशिया की ओर से यूक्रेन पर, तब किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को फोन करके मध्यस्थता की थी, इस वॉर को, न्यूक्लियर वॉर को रुकवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉस्को आतंकी हमले में जिस तरीके से ये अटैक हुआ है, आप देखिए कि हमले की निंदा करते हुए उन्होंने दुख की घड़ी में रूस के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई है, कहा है कि रूस के साथ हम खड़े हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने की वजह को कांग्रेस को बताया। तो बड़ी अपडेट यह है कि अभिषेक बनर्जी की ओर से कहा गया है कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच में अगर गठबंधन नहीं हो सका है तो उसके पीछे वजह कांग्रेस ही है। अभिषेक बनर्जी ने पहली बार किसी हिंदी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में कांग्रेस, बीजेपी और संदेश खाली के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी। चुनाव बड़ा है और 42 सीट्स हैं। बीजेपी की बात करें, पूरी जान फूंक दी है, प्रधानमंत्री आ चुके हैं एक हफ्ते में 3 बार करीब, और आपने भी पूरी जान लगा दी है। बीजेपी की तरफ से तो टारगेट 25 है फिलहाल। मुझे तो लगा था बीजेपी का टारगेट 35 है। कुछ दिनों पहले जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आए थे तो उन्होंने 25 का टारगेट रखा था, तो चुनाव जैसे ही घोषित हुआ उनका टारगेट 25 हो गया। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, ऐसे टारगेट तो नहीं दे सकता हूँ, पर बीजेपी जब भी अपना टारगेट रखा है उसका आधा बीजेपी को मिला है, आधे से भी कम मिला है। 200 का टारगेट रखा था इन्होंने 21 में और नतीजे क्या आए ये आपके सामने हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने टारगेट रखा है 25, वो उनका ठीक है, कार्यकर्ता को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए वो टारगेट रखना बनता भी है और हर पार्टी करता है। और जहां तक जान लगाने वाली बात है, सब जो लड़ाई लड़ते हैं वो जीतने के लिए लड़ते हैं। मुद्दों की बात करें तो एक बड़ा नाम संदेश खाली, प्रधानमंत्री पहली बार आए तब भी नाम लिया और जितनी भी सभाएं हुई चाहे जो भी नेता हो जरूर इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। सवाल ये उठाते हैं कि जो प्रमुख आरोपी था उसको कहीं ना कहीं शील्ड किया गया, उसको संरक्षण दिया गया और तुष्टिकरण की बात एक वर्ग विशेष को लेकर के, जमीन, उनका एलिगेशन क्या है, जमीन अधिग्रहण से लेकर के कुछ महिलाओं ने यौन शोषण तक के आरोप लगाए, ये मुद्दा है। तो लेकिन दो एलिगेशन है, एक है जमीन हड़पना, एक है महिलाओं का शोषण। ये दो एलिगेशन आप लगा रहे हो, किसके खिलाफ आपने लगाया? 3 आदमियों के खिलाफ, एक है शिवो प्रसाद हजरा, एक है उत्तम सरदार, तीसरा है शेख शाहजहान। अब शेख शाहजहान का गिरफ्तारी में अगर हाईकोर्ट रोक लगा देगी तो आप कैसे